चलता रहा धान, आराम फरमाते रहे अफसर। जी हाँ, आपको बता दें, योगी सरकार किसानों के द्वारा उगाए गए धान एक गेहूं की फसल सही खरीदारी व उचित मूल्य देने के निर्देश जरूर दिए, लेकिन आदेशों का पालन किस तरह किया गया इसका उदाहरण रायबरेली जनपद में देखने को मिला। रायबरेली जनपद में उत्तर प्रदेश खाद एवं रसद विभाग के क्रय केंद्र पछरावा के अफसरों सहित अन्य जनपद के केंद्रों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई, जब दो दिनों की भारी बारिश में किसानों की मेहनत से उगाया गया धान केंद्रों के बाहर भीगता नजर आया। इसे कर्मचारी की लापरवाही ही कहा जाएगा कि किसानों की मेहनत से उगाया गया धान रात और दिन की भारी बारिश में भीगता रहा और कर्मचारी अधिकारी आराम फरमाते रहे। आपको बता दें कि इस समय मौसम ने करवट बदली है, जिसका असर रायबरेली जनपद में भी हुआ और पछरावा सहित कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते धान क्रय केंद्रों पर खरीदा गया धान कर्मचारियों की लापरवाही से भीगता नजर आया। आलम इस कदर रहा कि देर रात शुरू हुई बारिश के बाद किसानों को जी तोड़ मेहनत से पैदा किया गया फसल की कोई परवाह नहीं की गई। कर्मचारी वे अफसर अपने घरों में सोते रहे। सुबह जब किसान क्रय केंद्र पहुँचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जी तोड़ मेहनत के बाद जो उन्होंने धान को बिक्री के लिए केंद्र पहुँचाया था वह बारिश के पानी की भेंट चढ़ चुका है। पूरा धान पानी से भीगा हुआ था। वहीं इसी पर भी क्रय केंद्र प्रभारी का दिल नहीं पसीजा। ठंडक के चलते उन्होंने क्रय केंद्र तक पहुंचाना मुनासिब नहीं समझा। किसानों ने तिरपाल से ढककर आगे आने वाली बारिश से अपने धान को बचाना मुनासिब समझा और फसल को तिरपाल खरीदकर ढक दिया। गुरुवार देर शाम अचानक मौसम ने करवट ली। बारिश में साथ तेज हवाओं के झोंके आने शुरू हो गए। एक तरफ बारिश में ठंड को दावत दी तो दूसरी तरफ तेज हवाओं ने ठंड में और इजाफा कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश खाद एवं रसद विभाग के क्रय केंद्र पछरावा में सैकड़ों कुंटल बिना तौल का धान किसानों का भीग गया। आप यहाँ पे क्या है? गोदाम सहायक। क्या है दिक्कत, क्या है यहाँ पे किसानों की तौलाई नहीं हो पा रही है और बारिश में धान भीग रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, बारिश रात में हुई है। हाँ। तिरपाल ढका हुआ है, तिरपाल ढका दिया गया है, बचाव पूरा किया जा रहा है उसका। अच्छा, तौलाई क्यों नहीं हो पा रही? तौलाई तौल हो रही है, जब कल से रात में बारिश हो गई तो आज व्यवस्था चूंकि दुर्व्यवस्था में बदल गई, बारिश वजह से पानी भरा हुआ है। कितना धान खुले में लगा हुआ है? होगा करीब 400 कुंटल, 450। अच्छा, और आपके अधिकारी यहाँ पे और कोई नहीं है मौजूद? नहीं, केंद्र प्रभारी मुख्यालय गए हुए हैं। अच्छा, तो